तो ये मेरा काटेमोन मैंगो का प्लांट है, क्योंकि हमने ऑन लोकल नर्सरी से लाए, लेकिन ऑर्डर दे के मंगाए, एक कलकत्ता से आया है। दोस्तों देखिए प्लांट कितना अच्छा है, और ये प्लांट अच्छा ग्रो भी कर रहा है, ग्रो बैग में लगा हुआ। दोस्तों ये एक मैंगो भी इसमें लगा हुआ है, हमने नर्सरी से बताए थे मैंगो लगा रहना चाहिए दोस्तों, तो इस प्लांट को हम लगा। गमला में लगाने के लिए इसकी मिट्टी कैसे तैयार करेंगे इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों हमने लिया गार्डन सॉइल 50% और 40% लेंगे गबर का खाद और 10% लेंगे धान के भूसी। तो दोस्तों धान के भूसी भी हम इसलिए उसमें मिक्स करेंगे कि मिट्टी थोड़ा सा भूरा टाइप मेरा है, ठीक ना। तो ये हमने धान 50% हो गया हमारा गार्डन सॉइल और 40% हो गया हमारा गबर का खाद, ये धान का भूसी। तो दोस्तों ये मिक्स करेंगे, और मिक्स करके इसी मिट्टी में हम जो काटेमान मैंगो का प्लांट है उसको हम गमला में लगाएंगे। तो दोस्तों गमला में लगाने के लिए हमने मिट्टी तैयार कर लिया, उसके बाद हमने इस गम तो दोस्तों गमले हमारा कौन सा है, हमारा गमला है सीमेंटेड का, 10 इंची का गमला है। तो इसमें हमारा जो प्लांट है 10 इंची का गमला में पहले हम इसको लगाएंगे, क्योंकि हमारा प्लांट के हिसाब से 10 इंच का गमला ठीक है। जैसे जैसे मेरा प्लांट बड़ा होगा उसे उसे हम गमले को चेंज करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं पिंटू, आप देख रहे हैं डीपी गार्डन यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरे चैनल पर अगर पहले बार आए हैं, यानी मेरे चैनल पर पहले बार विजिट कर रहा है, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि दोस्तों जब भी हम कोई नई वीडियो गार्डन रिलेटेड अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। दोस्तों तो ये काटेमान मैंगो का प्लांट हमने नर्सरी से ऑर्डर दे के मंगाया, तो इसके देखिए इसके जो ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो इसमें ग्रो बैग के जो लगा है इसमें काफ़ी देखिए जाड़े बाहर फैल गया। तो हमको क्या करना है, इसकी ग्रो बैग को फाड़ देना है, फाड़ के हमको प्लांट को निकालना है। और दोस्तों प्लांट को निकालते समय हमको एक चीज़ का जरूर ध्यान देना है कि इसके जाड़े जो होता है इसमें कोई चोट ना पहुँचे, तो इसीलिए हम इसको फाड़ देंगे, फाड़ के हम इसको निकाल देंगे। और जितना वो जाड़े जो बाहर है उसको हमको कट नहीं करना है, उसी गमला में इसको मिट्टी में मिला दे, मतलब घुमा के लगा देना, क्योंकि काफ़ी बड़ा जाड़े हैं। तो दोस्तों ये हमारा काटेमान मैंगो एक मैंगो भी इसमें लगा हुआ है। तो हम नर्सरी से बताए थे हम पहचानेंगे कैसे, तो उन्होंने कहा कि हम फल लगा हुआ आपको प्लांट देंगे कि आप पहचाने कि ये कौन सा मैंगो लगा हुआ है। तो फिलहाल इसमें 2 मैंगो लगा हुआ था, तो हमने नर्सरी से जब ला रहे थे तो लाते समय एक मैंगो टूट गया है, वो भी इससे बड़ा था तो टूट गया, वो जो था थोड़ा, तो इसमें फ़िलहाल एक मैंगो लगा हुआ है। तो दोस्तों अभी कभी भी अगर काटेमान मैंगो का प्लांट लगाते तो मिट्टी जब तैयार करते समय उसमें कोई फर्टिलाइज़र मिक्स नहीं करना, प्लांट को पहले बार लगाते समय। पहले बार तो प्लांट जब आप नर्सरी से लाते तो उसको आपको 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए, 1 हफ्ता के लिए रेस्ट पर रख देना है, उसके बाद आपको प्लांट को गमला में लगाना है। दोस्तों तो गमला में लगाते समय आपको मिट्टी में कोई फर्टिलाइज़र नहीं मिलाएंगे, ऑर्गेनिक या कोई फर्टिलाइज़र नहीं, खाली आपको बस इतना मिट्टी में इतना मिलाना है, गार्डन सॉइल, गबर का खाद और धान के भूसी थोड़ा सा मिला दीजिए। तो गार्डन वाले भी इसको मिलाते हैं धान के भूसी को। तो इसमें क्या है कि देखिए हमने प्लांट को निकाल लिया और इस जाड़े को हम किनारे किनारे घुमा देंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना, 10 इंच का गमला है, तो इधर कुछ इधर दे देंगे, एक इधर दे देंगे, घुमा के हम इसमें बीचों बीच सेंटर पर रखेंगे। और दोस्तों इसको आप कभी भी काटेमान मैंगो का प्लांट आप घर पे लगाते तो इसकी मिट्टी तैयार करने के आसान तरीका है ये, फर्टिलाइजर अगर देंगे पहले बार में तो आपका प्लांट मर जाएगा, क्यों बचेगा नहीं, क्योंकि पहले वो फर्टिलाइजर नहीं दिया जाता, मिट्टी तैयार करने के बाद मिट्टी में ही आप सीधा इसको मैंगो प्लांट को लगा दीजिए। दोस्तों तो हमने देखिए मैंगो प्लांट को, तो दोस्तों इसमें क्या है कि आपको लगाते समय जो किनारे किनारे से आपका गैप रह गया था इसमें हाथ से मिट्टी को दबा देंगे, नहीं तो क्या होता कि पानी जब आप इसमें डालते हैं तो पानी डालते समय ये प्लांट इधर उधर हिल जाता है, तो किनारे किनारे से मिट्टी को आपको दबा देना है। उसके बाद लगभग हमारा प्लांट लग चुके दोस्तों, अब इसमें पानी देंगे, पानी देंगे हम एक दिन थोड़ा सा हल्की जहाँ धूप आता वहीं पे रख देंगे, फिर हम फुल सनलाइट में प्लांट को रखेंगे। दोस्तों ये देखिए हमारा पहचान कि काटेमान मैंगो इसमें लगा हुआ है,
तो नर्सारी वाले से हम बताए थे कि भाई ये चीज़ होना चाहिए, पैकेज से पहचानेंगे कहीं ठीक है, अब पहचान जाएंगे कटिमन मैंगो ये है तो ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा कटिमन मैंगो है। दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक